अस्सलाम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों ये मेरा रहम्ला बेनजीर भुट्टो के मर्डर के ऊपर है कि बेनजीर भुट्टो को किसने कत्ल किया और किसने कत्ल करवाया बहुत सारी जब से बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई है उस वक्त से लेकर आज तक मुख्तलिफ कहानियां लोगों को सुनाई जाती हैं और लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है जो असल मुद्दा है उसकी तरफ कोई नहीं आता वजह क्या है कि अगर असल मुद्दा सामने लाया जाए तो वो गला किसका पकड़ा जाएगा आसफअ अली जरदारी का मैं आज अपनी कॉम को कन्फर्म कर रहा हूं कन्फर्म कि बेनजीर भुट्टो का जो मर्डर था वो आसफ अली जरदारी ने खुद करवाया था और उसकी चंद एक वजूहत थी और आपको वो वजूहत जब सुनेंगे तो आप खुद भी इस चीज के ऊपर पहुंचेंगे कंक्लूजन पे कि डेफिनेटली ये आसफ अली जरदारी ने ही करवाया होगा अगर आपको याद हो कि आसफ अली जरदारी साल हा साल जेल के अंदर रहा स्पेशली हैदराबाद जेल के अंदर और वहां पे इसने बहुत सारी अजयियाँ आसाइशें भी हासिल कर रखी थी हर किस्म का जो शराब कहवाब महफले इस जमाया करता था और जेलर्स जो स्टाफ था जेल का उसको भी साथ अपने मुलवस करता था बेनज़ीर पुट्टो के जब इन चीज़ों का जब पता चलता था डेफिनेटली शी वॉज अ वाइफ और एक नॉर्मल पाकिस्तानी वाइफ भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो वहां पे इनके आपस में डिफरेंसेस शुरू भी हो गए फिर याद रखिएगा कि बेनजीर भुट्टो की दो दफा दो दफा हुकूमत गई थी करप्शन की बिना पे लोग अक्सर कहते हैं कि बेनजीर भी करप्ट थी और उस वजह से भी देखिए मैं आपको एक बात बता दू बेनजीर की शादी ही पहली बात है गलत हुई थी जो कि जरदारी इस, इस काबल ही नहीं था कि उसको कोई अपनी इज्जतदार लड़की देता तो वो हकमी जरदारी और नुसरत भुट्टो का आपस में कोई मेल मिलाप या कोई जबरदस्ती वाली बात थी जिसकी वजह यहाँ पे बुट, बेनजीर भुट्टो का रिश्ता हो गया अब बात यह कि जब रिश्ता ही शादी ही एक चोर उचक्के से हो रही है डाकू से हो रही है तो एक वाइफ क्या कर सकती है आप खुद सोचिए क्या वाइफ तलाक ले लेगी या एक वो भी स्पेशली वो जो वेल नोन पाकिस्तान में जिसका सियासत में नाम है जो इंटरनेशनल भी है तो क्या वो फिर तलाक का इशू हो जाएगा एक नए स्कैंडलाइज्ड हो जाएगा वो मजबूर थी कि इसका इसके साथ रहा जाएं। ये करप्शन करता रहा और उसकी हुकूमत जाती रही और उस करप्शन के पैसे के ऊपर भी इनका आपस में बहुत झगड़ा भी हुआ आपस में एक स्टेज पे आके बेनजीर भुट्टो ने इससे डिस्टेंस डिस्टेंस कर दिया था कि नो मोर यू आर नॉट माय हस्बैंड बात ये है कि जब ये दौर दोबारा आता है 2007 में और उस वक्त क्या था कि जब बेनजीर भुट्टो का पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ एक इलाहाक हुआ कि आप दोबारा सियासत में आए और इस पाकिस्तान की भागदौड़ संभालें लेकिन ये भी सात शर्त तय पाई थी कि आसफ अली जरदारी इस सियासत में नहीं आएगा दुबई के अंदर बेनजीर भुट्टो ने आसफ अली जरदारी को कहा ओपनली कि मैं तुम्हें छुड़वा के लाई हूं जेल से ये एन के अंदर आया था वो भी बेनजीर को नहीं छुड़वाया था इसको जेल से इसको छुड़वाया भी इस शर्त पर था कि तुम दुबई में बच्चों को संभालो जो कारोबार है उसको संभालो सियासत मैं करूंगी आसफ अली जरदारी को इन चीज़ों से जाहिर है कि एक कुदरती बात है कि पाकिस्तानी जो मर्द होता है ना वो अपने आप को खुदा बना लेता है और स्पेशली सिंध के अंदर ये इस किस्म का कल्चर है कि वो डेरे जो हैं वो दूसरों की औरतों को कीड़े मकोड़े समझते हैं इवन अपनी औरतों को भी वो वैल्यू नहीं देते तो आसफ अली जरदारी ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया अगर आप कौम याद कर लो क्योंकि हमें भूलने की आदत है आप हिस्ट्री निकाल के देख लो कि जब बेनजीर भुट्टो बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान आने की तैयारियां कर रही थी उस दौरान आसफ अली दरदारी साहब किधर दर गए थे अमेरिका क्यों गए थे एक बंदा खुद सोचिए कि अमेरिका का जब आप वीजा अप्लाई करते हैं उसके अंदर मुख्तलि सवालत होते हैं कि आप इसके अंदर इन्वाल्व तो नहीं रहे आप इसके अंदर इन्वॉल्व तो नहीं रहे लेकिन उसको अमेरिका का वीजा बड़े आम आराम से मिल जाता है वह अमेरिका गया किससे मिला क्या हुआ यह पूरा के पूरा एक प्लाम तय पा गया कि आसफ अली जरदारी वो करेगा जो अमेरिका कहेगा और उसने बकायदा कहा कि बेनजीर याद रखिएगा कि आपके इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करेगी क्योंकि वो भी जुल्फ्कार अली भुट्टो की बेटी है और अगर याद रो कि जुल्फकार अली भुट्टो को भी उतरवाने में अमेरिका का हाथ था फांसी लगवाने में अमेरिका का हाथ था तो क्या आपका क्या ख्याल है कि बेनजीर अमेरिका के हाथों में चढ़ती नहीं बेनजीर का सौदा भी आसफ अली जरदारी अमेरिका में करके आ गया था और उसके बाद पूरा प्लान तय हुआ सीआईए और जरदारी ने बैतुल्ला मसूद को हायर किया उससे बातचीत की और उन्होंने बाकायदा पूरे का पूरा प्लान को ऑर्गेनाइज भी किया जिसके अंदर इनको कहा गया कि आसफ अली जरदारी तूने क्या करना है रहमान मलिक ने क्या करना है ये सारा कुछ तय पा गया और उसी प्लान के ऊपर जब बेनजीर भुट्टो लियात बाग से जलसा कर के बाहर आ रही थी वो गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी उस वक्त याद रखिएगा आसफ अली जरदारी ने टेलीफोन किया और अपनी बेटी से कहलवाया कि मामा हम आपको टीवी पे देख रहे हैं अब गाड़ी से बाहर निकले लोगों के को जवाब देना रो का और यकीन कीजिए और ये उस वक्त की बात है जब वो एग्जैक्टली जो सुसाइड बम्बर और जो शूटर था वो सारे उधर मौजूद थे बेनज़ीर बाहर आई शूटर ने फायर किया और और आधे सेकेंड के फर के बाद क्या हुआ बम ब्लास्ट हुआ बेनज़ीर को एक जो गोली लगी यहाँ पे और गर्दन से निकली और उसके बाद जब वो नीचे गिर रही है पूरे प्रेशर के साथ गिर रही थी तो उसी दौरान बम ब्लास्ट भी हुआ तो जो लिवर था गाड़ी का जो ढक्कन था उस पर उस वो उसके सर में भी लगा और उनकी डेथ हो गई अब खुद सोचिए कि डेथ से बाद एक हाथ का लिखा हुआ लेटर हाथ का लिखा हुआ ये वसीयत लेके ले आ गया कि इस पीपल्स पार्टी का फ्यूचर क्या होगा ये एक मुजरम है आदि मुजरम है इसको कोई शर्म नहीं होती याद रखिएगा ऐसे अशास को इसने अपनी औलाद को भी अपनी तरफ कर लिया और लोगों में एक इश्तहार दौड़वा के उसको ऊपर मरण भी खुद लगवा दिया कि पाकिस्तान खपे क्यूं? लाके लोगों को अंदर इसकी वोट ले सके और उस बिना पे क्या लक है कि एक शख्स क्रिमिनल शख्स जेल के अंदर बैठा हुआ वहां से निकल के सीधा प्रेसिडेंट की चेयर पे बैठ गया और उसके बाद हुसैन हकानी वो अमेरिका में एंबेसिडर और अमेरिका के साथ मिलके ये सारी गेम करते रहे अगर आपको याद हो कि जो लेटर लिखा गया था सैन हक्कानी ने जो अमेरिकन को कहा था डू यू थिंक उसने खुद कहा था आसफर जरदारी ने करवाया था ये हमेशा ये आईएसआई के हाथ पे तो पीछे जो हाथ हो गए पड़े हुए हैं कि इसको खत्म किया जाए और उसके अंदर ये भी प्लान था और उसके ऊपर अमल कर रहे थे आप खुद सोच लीजिए मैं तमाम लोगों से कहता हूं अपने दिमाग को इस्तेमाल करते सोचिएगा कि आप भी जो इनका जो बेटा है जरदार बेटा या बेटी है उसका तो अभी तक ये भी नहीं पता चला जो वो लड़का है या लड़की है फॉरन मिनिस्टर बन के अमेरिका बैठा जब से फॉरेन फॉरन मिनिस्टर बना है वो बाहर है दो अरब रुपया खर्च कर बैठा अमेरिका से ब्रीफिंग ली जा रही है अमेरिका के प्लान के ऊपर काम किया जा रहा है पिस कौन रहा है हम लोग हम पाकिस्तानी और याद रखिएगा यह पूरे का पूरा बेनजीर का जो इशू था उसको भी इसी तरह दबाया गया बार बार कहते हैं जना जनरल मुशरफ का नाम लेते हैं वो तो ओपन हो गया था इवन रहमान मलिक ने ये आप देख लीजिए रहमान मलिक का बयान मैं इधर शेयर कर रहा हूं आपके साथ कि वो क्या कहता है कि वो खुद कन्फर्म करता है कि बैतुल्ला मसूद इसके अंदर इन्वॉल्व था लेकिन बैतुल्ला मसूद को हायर किसने किया था आप तमाम लोग देख लीजिएगा आसफ अली जरदारी के आज भी इन लोगों के साथ बड़े स्ट्रांग ताल्लुका हैं उसकी वजूहत भी हो सकती है क्या हो सकती है यह भी आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं और यह कन्फर्म है कन्फर्म है कि बिलावल और उसके बहनों को मैं ओपनली कह रहा हूं कि बच्चों आप अपनी मां का कातल कहीं और ना ढूंढो अपने बाप के अंदर देखो आपको बाप आपका कातल है आपकी मां का हकीकत है और ये हक और सच की बात है अभी ये रहमान मल का बयान सुनिए और मेरी तरफ से पाक जिंदाबाद पाकिस्तान फौजिंदादर माइंड कौन था? मास्टर माइंड बेसिकली इसमें बैतला मसूद था और कोई एक मिनिस्टर आया था अफगानिस्तान से और टूरिज्म का मिनिस्टर था जो उसके साथ बहुत मिलता था बैतला मसूद के साथ और बैतला मसूद के आ, का, मिनिस्टर? जी सर अब ये आपको मैं एक दे रहा हूँ एक डिस्कलोजर दे रहा हूँ हाँ। टूरिज्म पता कर लीजिएगा और वो पैसे भी दे जाता था इसको और इसकी रिपोर्ट क्या नाम था उसका मुझे नाम नहीं उसका याद लेकिन पड़ा हुआ मैं किसी को निकाल के दे दूंगा लेकिन उन्होंने वो पैसे भी देते थे अब आगे चलिएगा जब हम फिर कर जिस दिन मोहतरमा पे हमला हुआ तो उसी दिन पहले करजई साहब से मुलाकात हुई थी तो करजई साहब ने भी उनको किया था एक दिन पहले उन्होंने कहा नहीं कियाजई साहब ने नाहिद खान को भी कहा हाँ। कि ये लैंड ना करें डायरेक्ट पाकिस्तान में ये पहले अफगानिस्तान आ जाए मैं इनको अपनी प्रोटेक्शन में पाकिस्तान लेके जाता हूँ विच एक्चुअली डिक्लाइंड कि मैं नहीं करूँगा ये अभी तक किसी का रिकॉर्ड में नहीं।, नहीं आया अब, अब नाहद नहीं, नहीं से पूछ लीजिएगा मैं इसमें हैरान हूँ कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि उनका मिनिस्टर प्लानिंग में मुलविस्त दूसरी तरफ करजई साहब उनको मुतनबे कर रहा था क्या जरूरी है कि वो जो उसका मिनिस्टर है करजई का उसी का बंदा हो दुनिया में एस्पिनोजिस्ट जो होते हैं बहुत से आपने पढ़े होंगे उसका बिल्कुल डिफरेंट होता है लेकिन मैं इसकी तय तक पहुँचा तय तक कैसे पहुँचा अच्छा लेकिन ये तो कन्फर्म है ना कि मुशरफ साहब का तो कोई हाथ नहीं देखें नहीं। हमने सिर्फ मुशरफ साहब से ये कहा था कि आपने किस बेसिस पे ब्रिगेडियर साहब को बुलाया उस वक़्त जो थे आपको याद है और फिर उनको कहा कि जाके आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें मास्टरमाइंड कौन था मास्टरमाइंड बेसिकली इसमें बैतला मसूद था